आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। गोवा में गरजे अमित शाह, बोले राहुल बाबा सुन ले, कर्नाटक में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी, तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। भागवत का धर्म परिवर्तन पर तीखा हमला, बोले जब लोग समाज में विश्वास खो देते हैं तो मिशनरी फायदा उठाते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल, कहा किसी ने मुझे समझाया ना तसल्ली दी, टिकट ना मिलने पर भाजपा छोड़ी थी। भ्रष्ट केजरीवाल से सहानुभूति न रखे अजय माकन की कांग्रेस से अपील, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली सीएम को फोन करके समर्थन जताया था। शरद पवार का बीजेपी से हाथ मिलाने से इनकार, उद्धव से कहा था बीजेपी में शामिल होने वाला पॉलिटिकल सुसाइड करेगा। दिल्ली सीएम को अहमदाबाद कोर्ट का समन, मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को 23 मई को किया तलब। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले हनुमान चालीसा पढ़ने वाले मस्जिदों में कव्वाली सुनते हैं। फरहाद हकीम का बड़ा बयान, बोले टीएमसी सुप्रीमो ईमानदारी की प्रतीक, उनके पास सभी मुख्यमंत्रियों में कम संपत्ति। अतीक की हत्या को ममता बनर्जी ने बताया बेशरम अराजकता, कहा यूपी में चरमरार गई है कानून व्यवस्था। दिग्गज नेताओं के इस्तीफे पर बोले येदुरप्पा, कहा शेट्टार और सावधी को भी कभी माफ नहीं करेगी बीजेपी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा बीजेपी सोचती है कि मुझे संसद से हटाकर धमका कर डरा देंगे, मैं इनसे डरता नहीं। ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में 79 गिरफ्तार, संबलपुर में कर्फ्यू में ढील, हालात सामान्य। प्रिंस हत्याकांड में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर रोहित को शक था कि वो उसे मरवा सकता है, इसलिए तिहाड़ में उसका मर्डर करवा दिया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड समारोह में 11 की लू से मौत, 24 लोगों का इलाज जारी, चिलचिलाती धूप में कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों को किया खारिज, पिछले कुछ दिनों से मुंबई यात्रा के दौरान अमित शाह से मिले थे। अतीक अश्रम मर्डर में अनिल विज की एंट्री, बोले वाहरे विपक्ष, पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा है, अब कह रहे हैं गोलियां क्यों नहीं मारी। इटावा निकाय चुनाव में युवाओं की पसंद, पहली बार मतदान करने को लेकर युवा उत्साहित, 55,000 हैं युवा मतदाता। मुरादाबाद में बीजेपी दफ्तर पर हंगामा, टिकट कटने पर समर्थकों के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचे नेता ने किया प्रदर्शन। टिकट कटने से नाराज भाजपा नेता ने किया सुसाइड, शामली से सभासद का टिकट मांग रहे थे, न मिलने पर खाया जहर।
सपा ने मुजफ्फरनगर पालिका से घोषित किए प्रत्याशी, 55 वार्डों में से 38 में गठबंधन दावेदारों के नाम शामिल। फतेहपुर में 20 साल की लड़की से दरिंदगी की हदें पार, रेप के बाद मारकर फेंका, शरीर को नाखून से नोचा, दांतों से काटा। लखनऊ में बीच सड़क युवक ने गर्दन रेती, पुलिस ने लोकबंधु अस्पताल में कराया भर्ती, जांच शुरू। साइड मांगने पर सपा छात्र नेता को पीटा, मेरठ में गाड़ी में की तोड़फोड़, भाई ने बचाकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री के बॉयलर में लगी आग, दही थाना क्षेत्र के स्थित रिफाइनरी फैक्ट्री में सुबह लगी थी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। देवरिया में नकाबपोश बदमाशों ने महिला से की है लूट, बेहोश कर नकदी और जेवर लूटे, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में आग से झुलसकर बच्चे की मौत, खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, कमरे में गिर गया था 7 साल का बच्चा। लखनऊ में एसयूवी डिवाइडर से टकराई, डॉक्टर की मौत, दो महिला डॉक्टर समेत 4 लोग घायल, रूमी गेट के पास हुआ ये हादसा। उन्नाव में युवक का फंदे से लटकता मिला शव, परिजन जता रहे हत्या की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत होने की पुष्टि। कन्हैया होजरी का मालिक नहीं हो सका गिरफ्तार, ऊंचे रसूख के आगे पुलिस पड़ गई नर्म, चोरी के शक में ट्रांसपोर्ट मैनेजर की हुई थी हत्या। मथुरा पुलिस मुठभेड़ में लुटेरा घायल, 12 अप्रैल को महिला श्रद्धालु से की थी लूट, विरोध करने पर मारी थी गोली। गाजीपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए चुनावी सरगर्मी तेज, भाजपा ने दोबारा से सरिता अग्रवाल पर जताई उम्मीद। झांसी में भाजपा से बगावत को तैयार, नेता ने टिकट न मिलने से पूर्व मेयर किरण नाराज, इस्तीफा दिया, निर्दलीय मैदान में आने की तैयारी। कानपुर में 2 डॉक्टर समेत 20 नए मरीज मिले, एक्टिव केस की संख्या 72 पहुंच चुकी है, जांच के दौरान गलत पता बता रहे मरीज। बाराबंकी में 4.77 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया गया था, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। भाजपा ने फिर विनोद अग्रवाल पर जताया भरोसा, 2 बार पत्नी बीना अग्रवाल और 2 बार खुद मेयर रह चुके हैं विनोद अग्रवाल। भाजपा में टिकट को लेकर विरोध, कार्यकर्ता बोले टिकट देने में भेदभाव क्यों, फार्म रोकने पर उम्मीदवार ने केंद्रीय मंत्री पर लगाए आरोप। अतीक अशरफ की हत्या पर बोले सपा विधायक जयकिशन, जिस देश में लोकतंत्र इतना मजबूत हो उस देश की कानून व्यवस्था बहुत लचर है। गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग, ग्राउंड फ्लोर से भड़की आग चौथी मंजिल तक पहुंची, लाखों के बिजली उपकरण जले। अयोध्या के मिल्कीपुर में अज्ञात कारणों से मकान में लगी आग, गृहस्थी जलकर राख, बेटी की शादी का सामान भी जलकर राख हो गया है। प्रसूता की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, परिजनों का आरोप, हालत बिगड़ने पर डॉक्टर निजी वाहन में लेकर गए भाग।
हाथरस में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, आत्महत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। ऑपरेशन के बाद महिला की हुई मौत, गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। 12 मऊ के नीचे अस्पताल में चल रहा था इलाज। कुशीनगर में टैंकर के केबिन में मिला चालक का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बुलंदशहर का रहने वाला था। हरदोई में सेक्रेटरी और प्रधान ने दी डीडीओ को घूस, अनियमितता को लेकर खाते हुए थे सीज, आईफोन के नाम पर हुई थी सौदेबाजी। फिरोजाबाद के निवर्तमान मेयर नूतन राठौर का कटा टिकट, टिकट मिलते ही मेयर प्रत्याशी की आवाज पर लगा बधाइयों का तांता। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा राष्ट्र के हेतु समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंदर अनुशासन को लेकर सख्त दिखे कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने नेताओं को अनुशासन की घुट्टी पिलाई। प्रभारी के सवाल पर प्रीतम सिंह ने साधी चुप्पी, प्रभारी विधायकों का फोन भी उठाना उचित नहीं समझते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कल होगी कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर होगा निर्णय। उत्तराखंड में पर्यवेक्षक पुनिया की क्लास में एक एक कर हाजिर हुए कांग्रेस नेता, बंद कमरे में देर तक चली बैठक। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की राह होगी आसान, सोनप्रयाग से कालीबट को जोड़ेगी 8 किलोमीटर लंबी सुरंग। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का धामी सरकार पर तंज, कहा लालू के फॉर्मूले पर काम कर रही है धामी सरकार। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे विदेशी कोच, सीएम खेल विकास निधि में की गई व्यवस्था। उत्तराखंड के देहरादून में बिन हेलमेट दुपहिया सवार युवक युवती को रोकना इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, भारी टक्कर कुछ देर तक घसीटा गया। देश में फिर कोरोना का प्रकोप जारी, उत्तराखंड में मिले कोरोना के 84 नए मामले, इस साल अब तक 9 मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला एकमात्र वैली ब्रिज टूटा, नदी में गिरा ट्रक, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तराखंड में डेयरी कर्मी की हत्या से सनसनी, पूरी रात शव के साथ रहा हत्यारा, मालिक ने गुना छिपाने को रचा था खेल। उत्तराखंड के टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए प्रदर्शन, साल 2006 में हो रहा है सर्वे, लोगों में आक्रोश। उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्र में संचालक और मैनेजर ने बेसबॉल के बैट से पीटकर युवक की हत्या की, चार गिरफ्तार। उत्तराखंड में नए आढ़त बाजार में मिलेगा अधिग्रहित भूमि की दोगुनी कीमत का भूखंड, प्रभावित की जमीन होगा मूल्यांकन। यूएस में बर्थडे पार्टी में फायरिंग, 6 टीनेजर्स की मौत, शूटर भी नाबालिग था। अमेरिका में इस साल मास शूटिंग की 139 घटनाएं सामने आई हैं।
अमेरिका में 6 फीमेल टीचर्स गिरफ्तार, इन पर नाबालिग छात्रों से संबंध बनाने का आरोप। टीचर्स की उम्र 25 से 38 साल के बीच की है। पाकिस्तान को अभी कर्ज देने से कतरा रहा है आईएमएफ। संगठन के नए सिरे से गारंटी मांगी सऊदी अरब। यूएई का डिपॉजिट भी काम नहीं आया। अफगानिस्तान के 1 ट्रिलियन लिथियम रिजर्व में निवेश करेगा चीन। 81,000 करोड़ ऑफर के 7 महीने में सुरंग बनाने का वादा किया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच खींची तलवारें, समुद्र में चली अंधाधुंध गोलियां। सीरिया में आईएस की बेरहमी, खाने की खोज में आए 31 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 3 महीने में 230 की ली है जान। तुर्की के अफसीन शहर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई तीव्रता। सूडान में जारी हिंसा के बीच एक भारतीय नागरिक की मौत, सैनिक और अर्धसैनिक बल में चल रही है जंग। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मुफ्ती अब्दुल शकूर की सड़क हादसे में मौत, खुद चला रहे थे कार, 5 लोग गिरफ्तार। दुबई के रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, 16 लोग जिंदा जले, मरने वालों में 4 भारतीय भी शामिल हैं। YouTube म्यूजिक ने रोल आउट किया नया फीचर, अब ऐप और ब्राउजर पर गाना सुनने के साथ हिंदी में पढ़ सकेंगे लिरिक्स। आईपीएल के बाद ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीम करेगा जियो सिनेमा। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो की तरह लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। चीन को छोड़ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदारी, $128 अरब का हुआ कारोबार। भारत ने फुटवियर बाजार से चीन को किया बाहर, बेहतर गुणवत्ता व कम कीमत बड़ी भूमिका है। विश्व बैंक की पाकिस्तान को कड़ी हिदायत, कहा घाटे और कर्ज से बचने के लिए सब्सिडी तुरंत बंद करे। सरकार ने सीजीएचएस अस्पतालों में स्वास्थ्य स्कीम के तहत चार्ज के बदलाव, ओपीडी आईसीयू और रूम रेंट में इजाफा। बीते वित्त वर्ष में बिजली की खपत में बड़ा इजाफा, 9.5% बढ़कर 1,503.65 अरब यूनिट हुई। एफपीआई को आया भारतीय शेयर बाजार, अप्रैल में अब तक शेयरों में डाले गए 8,767 करोड़ रुपए। निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, बोले भारत और अमेरिका मजबूत शांतिपूर्ण वैश्विक समुदाय की नींव रख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने चीनी कंपनी के लिए 200 करोड़ के ऑर्डर, एनएससीएस के संज्ञान में लाया गया मामला। राजस्थान की गुजरात पर पहली जीत, संजू सैमसन ने खेली 60 रन की पारी, हेटमायर ने 26 बॉल पर जड़े 56 रन। मुंबई ने कोलकाता को 23वीं बार हराया, 5 विकेट से जीते। अय्यर के शतक पर भारी पड़ा ईशान का अर्धशतक।
रणजी चैंपियन को मिलेंगे 5 करोड़। बीसीसीआई ने सभी घरेलू टूर्नामेंट की प्राइज मनी बढ़ाई, महिलाओं को 833% ज्यादा इनाम मिलेगा। सचिन अर्जुन आईपीएल खेलने वाली पहली पिता पुत्र की जोड़ी, अर्जुन ने केकेआर के खिलाफ किया डेब्यू, रोहित ने सौंपी कैप। गुजरात के खिलाफ 6 छक्के जड़ चुके संजू सैमसन ने रचा है इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा के नाम हुआ एक नायाब रिकॉर्ड, एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। वेंकटेश अय्यर का शतक गया बेकार, मुंबई इंडियंस ने केकेआर को एक तरफा अंदाज में हराया। मुंबई के खिलाफ हार से बेहद निराश है कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा, बोले हमने इस मैच में शायद 15 से 20 रन कम बनाए। बीसीसीआई ने किया साफ, कहा रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर बेहतर इलाज के लिए इंग्लैंड जाएंगे। हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने बताया कहां हुई चूक, बोले गेंदबाजों ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिसकी उम्मीद थी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सचल अली को याद आई श्रीदेवी, बोली वो मेरी मां की तरह थी, आगे भी इंडियन फिल्मों में काम करना चाहती हूं। रायपुर में हनी सिंह का लाइव कॉन्सर्ट, जमकर थिरके लोग, अश्लील शब्दों का उपयोग, बैरिकेडिंग तोड़कर घुसी भीड़ में, नशा करते दिखे नाबालिग। मिस इंडिया बनी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता, मिस वर्ल्ड 2023 में भारत की ओर से भाग लेंगी, बिजनेस मैनेजमेंट की कर रही है पढ़ाई। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे बी टाउन स्लेव्स, सलमान शहनाज गिल से लेकर पूजा हेंगड़े तक सितारों ने लगाए 4 चांद। कंगना रनौत का बड़ा बयान, बोली आप लोग रोना बंद कीजिए, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करना पड़ता है। रणबीर ने आलिया को दिया 10 लाख का बैग, पहली एनिवर्सरी पर दिया खास तोहफा, एनिवर्सरी के दिन उसी बैग के साथ स्पॉट हुई। जुपिटर की फोटो पर दिखी सिद्धू मूसेवाला की फोटो, नासा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी फोटो, यूजर्स बोले रेस्ट इन पीस सिद्धू। ऋतिक रोशन के बॉडीगार्ड ने फैन को धक्का दिया, फोटो लेना चाहता था फूड डिलीवरी करने वाला लड़का, ऋतिक ने कर दिया मना। गुलशन ग्रोवर से आज भी फिल्मों के सेट पर डरते हैं लोग, निगेटिव रोल निभाने का अभिनेता का खुलासा। आर माधवन के बेटे ने मलेशिया में भारत के लिए जीते 5 गोल्ड मेडल, खुशी से फूले नहीं समा रहे एक्टर। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।